हेलो दोस्तों, मैं अब आ गया हूँ जल महल। और ये जल महल जो सवा जो जल महल है, जो पानी चारों गिद्दी पानों चारों गिद्दी के अंदर में जल महल के अंदर में ही महल है। तो ये है जो जयसिंह के सवा जयसिंह थे, उनके भाई, उनका जय महल है, जल महल है। और जल महल के अंदर में ही तुम्हारे क्या नाम महल बना हुआ पूरा। तो मैं अभी जल महल के अंदर में, अंदर तो अलाउ नहीं है, लेकिन हम आपको बाहर से दिखाएंगे पूरा महल बाकायदा। तो अभी हम आ गए यहाँ पे, बिल्कुल देख लो, ये रोड है और यहीं से आप आ सकते हो, चाहे जयपुर होके आओ, बाईपास से आओ, किधर से भी आओ, तो आप लोग बाकायदा आ सकते हो। तो यहाँ पे आप छोटी मोटी दुकानें भी लगी हुई हैं। तो जैसे ये महल है, जो वो एक नहर के अंदर, झील के अंदर में है। तो जो बोलते हैं पुराने लोग जो होते हैं काफ़ी, वो लोग कह रहे हैं महल राजा जयसिंह सवाव जयसिंह है, उनके भाई का महल था। और ये महल जो है वो बाकायदा उसके जल के अंदर बना हुआ है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा महल बाकायदा, लेकिन चारों गति इसके अंदर जाना बैन है, वर्जित है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बाकायदा मना कर रखा है, कहीं आप लोग अंदर नहीं जाना था, जाना अलाउ भी नहीं है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ अंदर में, कुछ पक्षी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जो महल है वो बिल्कुल मेरे सामने जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ महल। तो ये देखो कितना प्यारा पक्षी है जो अंदर बैठा हुआ है। और महल देखो, ये महल है राजा जयसिंह के भाई का, और ये पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है। जो महल के चारों गद्दी पानी है बिल्कुल, यहाँ से आप क्लीन देख सकते हो पूरा साफ साफ। तो ये जो महल है, जो राजा जो थे, राजा का भाई थे उनके, ने पता नहीं क्यों बनवाया था, लेकिन मुझे पता है पानी के अंदर पूरा महल है। और चारों गद्दी बड़े बड़े पहाड़ हैं, आप लोग देख सकते हो, पूरे बड़े बड़े पहाड़ हैं, वादियाँ हैं ये। तो ये जो महल की कोई ख़ास बात होगी, लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे अभी इस महल के बारे में। हम देख सकते हो यहाँ पे एक से एक बढ़िया खूबसूरत पक्षी हैं। और ये महल है अभी इस चारों गद्दी, इस महल के हम तुम्हें दिखाएँगे अभी। तो ये इसका नाम जल महल क्यों पड़ा, क्यों राजा लोग जो है ना, वो अपने जल के अंदर में ही कुछ चारों गद्दी उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने सोचा लाओ जल के महल के अंदर में ही हम एक महल बना देते हैं। और ये वास्तव में बिल्कुल जो महल है ना, ये पानी के अंदर में ही है पूरा, आप लोग देख सकते हो, मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो पूरा जो वीडियो है वो पानी के अंदर में ही इसके बने हुए हैं, बना रहा हूँ मैं। तो जो महल है वो भी उसके अंदर में ही महल है, पानी के अंदर में ही महल है बाकायदा। और बराबर में झाड़ियाँ हैं, एक्चुअली पता नहीं काफ़ी दिन से सफाई वफाई नहीं होती होगी। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ इसके बारे में भी है, पूरी जितनी जानकारियाँ होंगी मैं आप लोग ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों, ये जो जल महल जो है, ये क्या है, पूरा घर पानी के अंदर बना हुआ है। तो पहले राजा जो जयसिंह थे, सवाव जयसिंह जो उनके भाई, वो इस जैसे जल महल के अंदर में रहा करते थे, उनको इस महल के अंदर में अच्छा क्यों हो सकता है, पानी के चक्कर में पानी चारों गुद्दी हो, तो इसलिए उनको अच्छा लग रहा हो। तो इतिहास रहा है आज की डेट में बहुत बड़े बड़े लोगों का, इतिहास में क्या होता है, जिनका इतिहास लिख चुके हैं लोग, लेकिन उस याद कोई मिटा नहीं पाया। लेकिन जो मेरे हिसाब से कहने वाली बात है, जो जितना टोटल राजा महाराजा सारे थे, तो बहुत अच्छे मतलब प्रोफाइल परफेक्ट तरीके से रहा करते थे। तो ये मार्केट भी, एक छोटी सी मार्केट है उनके घर के, उनके बराबर में लगती है। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हो, तो ऐसा ही जल महल के बराबर में ही है। तो दोस्तों, आज मुझे ना जयपुर घूमने में बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया, जयपुर आज घूम ही रहा हूँ। तो अभी जयपुर घूमते घूमते देखो, मुझे शाम भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हो रहा है कितना मुझे मज़ा आएगा यहाँ जयपुर में। और जल महल ही मैंने देख लिया है, और मैंने तीन चार चीज़ देख ली है, तो मुझे बहुत अच्छा लग भी रहा, फीलिंग भी बहुत बढ़िया हो रही है, तो इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ है, जो लोग राजा जो रहा करते थे ना, वो उनका रहने का तजुर्बा, रहने का तरीका अलग था, बिल्कुल रहने का तरीका अलग था, हर चीज़ उनका अलग ही था। और जो राजा लोग मकान बनाते थे, वो महल काफ़ी बहुत महल मजबूत रहा करते थे राजाओं के,